चुनावी घमासान के बीच जैन समाज ने भी अपनी राजनीतिक भूमिका को आगे बढ़ाने के साथ चुनावी मैदान संभाल लिया है। नगर निगम के आगामी चुनाव को देखते हुए जैन फोरम ने आयोजित बैठक में सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि किसी भी पार्टी से जैन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो उसे जिताने के लिए पूरा समाज तन मन धन से एकजुट होकर जिताने के लिए साथ खड़ा नजर आएगा। जैन फोरम के संस्थापक अशोक मेहता ने फोरम के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिगंबर एवं श्वेतांबर समाज के सभी समाजजनों ने सिर्फ और सिर्फ जैन समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, साथ ही राजनीतिक भूमिका बनाने के लिए एक मीटिंग आयोजित की। वहीं इस बैठक में वहां मौजूद वरिष्ठ जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज जो चर्चा चल रही है और ये चर्चा पहले से भी चल रही है, करीब 2 माह पहले से हमने जैन फोरम का गठन किया है। जैन फोरम वो संस्था है जिसमें जितने सदस्य हैं वो सभी अध्यक्ष हैं और निःशुल्क सदस्यता है। इसका गठन मात्र इसलिए किया गया है कि जैन समाज का प्रभाव, प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व अन्य कई क्षेत्रों में बहुत है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव देखा जाए तो बहुत क्षीण है। हम ये चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि जैन समाज संगठित होकर, एक ही मांग हमारी है कि हमें आप चाहे किसी भी पार्टी से राजनीतिक महत्व दें, राजनीतिक पद हमारे समाज के व्यक्तियों को दें, चाहे संगठन में दें, चाहे आप चुनाव में दें। और पूरा जैन समाज ने अब ये कृत संकल्पित हो गया है कि हम जैन कैंडिडेट को जिताएंगे हर हाल में, तन मन और धन तीनों से हम उसकी मदद करेंगे। आज तो राजनीति के लिए कर रहे हैं लेकिन भविष्य में हम सभी फील्ड में, हम अलग अलग करते हैं लेकिन अब यूनाइट होकर करेंगे। और आपने देखा होगा, ये सबसे खुशी की बात है, हजारों परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, घर घर भी लोग जाकर जुड़ रहे हैं। और सबके मन में अब ये भावना आ रही है कि मैं ना दिगंबर जैन हूँ ना मैं श्वेतांबर जैन हूँ, मैं सिर्फ जैन हूँ, भगवान महावीर का मैं अनुयायी हूँ और हमें अब अपने समाज का प्रतिनिधित्व किसी भी हालत में चाहिए। हम लाख कहें कि जातिवाद नहीं है, पर पूरे देश में जातिवाद आज भी जिंदा है और यही हम सोचते रहे कि हम कुछ बोलते नहीं रहे, लेकिन अब हमारी मांग है कि अब आप हमारे समाज को अनछुआ मत रखिए, अनदेखा मत करिए, आप हमारे समाज को महत्व दीजिए। समाज, पूरे समाज के इंदौर जिले के विकास के लिए बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएसआर टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।